सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के मेगा हाईवे पर 2012 में हुए चर्चित महेश माड़े हत्याकांड में आज न्यायालय ने चौंकाने वाला फैसला दिया है और चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। एडजी न्यायाधीश रामपाल जाट ने खचाखच भरी अदालत में फैसला सुनाया और कहा कि पुलिस जाँच में आत्मघाती कमियाँ रही हैं। इस मामले में संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपी रवि पवार, सदीक कायम खानी, मिकू उर्फ मुकेश स्वामी, अतुल सोनी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। वहीं न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पुलिस की जांच में आत्मघाती कमियां रही हैं। इसके लिए फैसले की कॉपी बीकानेर रेंज आईजी को भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। आरोपी मुकेश स्वामी इस मामले में लंबे अरसे से न्यायिक अभिरक्षा में ही चला आ रहा है। आपको बता दें कि इस फैसले से पीड़ित परिवार में मानो कोहराम सा मच गया है। न्यायालय में ही परिवादी कमल किशोर रोने लगा। उसके घर पहुंचते ही मृतक महेश की मां चंपा देवी भी दहाड़े मार कर रोने लगी और कहने लगी कि आखिरकार सरकार ने मेरे बेटे के हत्यारों को सजा क्यों नहीं दिलवाई। आपको बता दें 16 मार्च 2012 को मेगा हाईवे स्थित नोहरे में महेश माड़े की चाकुओं से वार करके हत्या कर दी गई थी, जिस पर पुलिस ने जाँच करके चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। आप भी देखिए क्या कहना है पीड़ित परिवार का और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। 2012 का प्रकरण था, महेश माली नाम के जो व्यक्ति हैं उनका हत्याकांड प्रकरण था, जिसमें पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की और आज न्यायालय ने, एडीजे न्यायालय ने इन चारों आरोपियों को संदेह के आधार पर बरी कर दिया है। अनबरी कर दिया, हमारा बेटा मार दियो, बन जा छोड़े जी दे खुण मारियो, मार बेटो मर गियो तो अपन बरी कर दिया, बन जा छोड़े मार बेटा ने खुण मारियो, बस आपको थोड़ी चाहिए जाए इन्याय हो गया। सही कौन है गवर्नमेंट न्याय करना चाहिए जाए थोड़े गणो दिया दिया कर चाहिए जाए कुमोद मारियो हमारे बेटा ने बुलार मारियो मेरे जा छोड़ी दी जा अन बरी कर दिया सफाई नरे सर मारी दी जा गवर्नमेंट ने। हाँ बेटे हो ने बेटे गवर्नमेंट ने बेटे जाओ जी का कोई था बड़े भगवान न्याय करी खुद न्याय बंद करी ना खुद इत्या करी आगो मन जा छोड़ी दी जा भाई फलाने आदमी संतुष्ट हैं? नहीं है साहब, मैं आगे अप्लाई करूंगा। और 16/3/2012 को मेरे भाई का मर्डर हुआ था, जिसमें आज का फैसला से मैं एकदम संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आगे कार्रवाई करूंगा, ये ऊपर जाके कार्रवाई करूंगा मैं। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, ऐसा फैसला होने से अपराध बहुत बढ़ेगा। न्यायालय ने माना है कि पुलिस जांच में कमी पाई गई है, क्या कहेंगे आप? पुलिस जांच में कमी पाई गई है तो आप क्या बता सकते हैं? जिसके घर से आदमी चला जाए 15 दिन तो उसको 1 महीने 2 महीने तो होश ही नहीं होता है। और मेरा जवान भाई गया हुआ ये